हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज जो है आज क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी। आज आप लोग जो है टेस्ट की तरह इसको लगाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के हैं, इसलिए आपके नंबर कम आए तो ऐसा नहीं कि कमेंट में ना बताएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, निराश मत होइएगा, क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय जो हमारा संविधान है भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि किसने कहा है कि भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, हमारे बापू जो थे महात्मा गांधी ने, इन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान बनेगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। और उनकी ये भी इच्छा थी कि गांव जो ग्रामीण हैं और जो अछूत लोग हैं उन पर विशेष ध्यान देकर बनाया जाए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। किसके द्वारा कहा गया था, ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो बताइए फ्रेंड्स जो है किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है M.N. Rao द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, M.N. Rao द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया है, ये दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया है। कांग्रेस ने किस वर्ष के किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1936। कौन सा हो जाएगा, 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो ये किसने किया था कि वयस्क मताधिकार पे किन्होंने किया था, ये किए थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो ये कौन सा था सातवें नंबर का हमारा हो जाएगा क्रिप्स योजना। क्या हो जाएगा, क्रिप्स योजना। ये जो है इसके तहत कहा गया था भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये किया गया था बाल गंगाधर राव तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर राव तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन था कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, या फिर ये भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, तो हमारा हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो था ये आधार था,
संविधान सभा को गठित करने का आधार कौन सा था? कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था। क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? सेम क्वेश्चन है, कौन सा होगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कौन सा हो जाएगा दसवीं का? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहा जा रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग किस जगह पे किया गया था? जब ये अधिवेशन हुआ था 1936 में, तो किस जगह पे मतलब मांग की गई थी? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कितने सदस्य होने थे फ्रेंड्स? 389। प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल कितने होने थे? ब्रिटिश प्रांतों से 292। ब्रिटिश प्रांतों से कितने होने थे? इसमें हो जाएगा हमारा इसमें जो है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे, तो इसमें जो हो जाएगा वो इसमें ऑप्शन ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधित्व और देसी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व उपयुक्त में से सभी। ये हमारे ऑप्शन सारे सही हैं, क्योंकि इसमें कहा गया था संविधान सभा में कुल सदस्य होने थे, ब्रिटिश प्रांत से इतने आने थे और जो देसी रियासतों से थे वो 93 थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो थे वो निर्वाचित होकर आए थे? तो इसमें हो जाएगा कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 208। जो कांग्रेस थे वो 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? कितनी रह गई थी मतलब पुनर्गठन जब हो गया था उसके बाद 1947 में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो हम याद रखेंगे ये हमारा जो है 299। क्या हो जाएगा? 299। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स बना लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये हिस्ट्री का है, ठीक है? तो इसको हम याद रख सकते हैं इस तरीके से, समझाने वाला कुछ इसमें है नहीं, इसको याद रखिए इसी तरीके से। संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? वो हो जाएगा 70। जो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे वो 70 थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो अभी हम लोग पढ़े थे कितने थे? 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मातृ परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो हमें ये याद रखना होगा कि कितने किस अनुपात में लिया गया था, 10 लाख पर प्रति व्यक्ति, 10 लाख पर प्रति व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो
क्या कहा जा रहा है, संविधान सभा के सदस्यों को जो ऑप्शन दिया गया है इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, तो ये हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर संयुक्त प्रांत। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो ये था संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया था इसको हम याद रखेंगे, हैदराबाद जो था वो भाग नहीं लिया गया था, भाग नहीं लिया था। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे कहाँ से हुए थे, जो बी राव अम्बेडकर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो जो थे कहाँ से निर्वाचित हुए थे बी आर अम्बेडकर, वो हुए थे पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्या रीजन था कि मुस्लिम ने जो संविधान सभा बनी थी उसको बहिष्कार किया था, तो ऑप्शन देखते हैं। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। बिल्कुल सही है ऑप्शन, मुस्लिम लीग जो था वो चाहता था कि उसे एक अलग ही संविधान दिया जाए। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, किस आधार पे हुआ था, वर्गीय मताधिकार पे हुआ था, कैसे हुआ था, वर्गीय मताधिकार पे हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रतिनिधि थे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 25वें का ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी इसको पढ़ते हैं, क्या है, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रोच रूप से अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुनी गई, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो वी हो जाएगा, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रोच रूप से अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, जो 26 होगा वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया, कोई स्पेशल व्यक्ति ने नहीं बनाया था बल्कि इसके लिए एक हमारा संविधान सभा गठित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जो संविधान सभा थी उसके द्वारा बनाया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, चुनाव जो था संविधान सभा के लिए चुनाव जो है कब संपन्न हुआ था, तो 1946, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का वो 1946 में संपन्न हो गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो ये जो हमारा भारतीय संविधान जो था इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी दिन जो थी हमारी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, पहला अधिवेशन, कई अधिवेशन इसके हुए थे, तो जो सबसे पहले अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में, तो इसको हम याद रखेंगे, जो पहला संविधान वो अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसको लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही गए हैं, और हमें बताइए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।